हेलो एवरीवन मैं राधा टीलर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ लिवाइस की सिंपल लेंथ फोल्ड कैसे बनता है किससे बनता है और आप इसको कैसे बना सकते हो लाइव एक्सम्पल ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सो so, दोस्तों हमारे पास है लिवाइस की जीन्स और इस जींस का हम लेंथ बन ये जो लिवाइस की पैंट है इस पैंट में जो हमें लेंथ बनानी वो कैसा रहेगा सो so, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स लेंथ सिंपल फोल्ड ये एकदम छोटा सा सिंपल फोल्ड रहेगा ये मतलब कि मैं आपको बता दूँ ये जितना बड़ा फोल्ड है उतना ही बड़ा फोल्ड हम बनाएंगे और इसका मोटा धागा यूज़ करेंगे इसकी फिनिशिंग जैसी है वैसी ही हम रखेंगे और सेम टू सेम फिनिशिंग हम इसको बनाएंगे और इसकी जो लेंथ

सो so, दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पैंट की लेंथ फोर्टी फोर्टी फोर एंड हाफ़ है तो हमको इसको फोर्टी एंड हाफ चाहिए आप देख सकते हैं फोर्टी एंड हाफ़ और हमें चाहिए डेढ़ इंच का मार्जिन तो आप देख सकते हैं डेढ़ इंच यहाँ पे आ रहा है पर हमें डेढ़ इंच से भी थोड़ा सा कम करेंगे तो वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यहाँ पे से हम इसको कट कर लेते हैं तो एक एक मौरी को जो है यहाँ पे से मैं कट कर लेता हूँ इसको तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक मौरी को मैंने कट कर लिया है अब दूसरी वाली जो मोरी है उसको भी मैं कट कर लेता हूं so दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो दोनों मौरी, जो बोटम, बोटम जो बॉटम बॉटम है वो दोनों को मैंने कट कर लिया लेकिन इसका हम ओरिजिनल नहीं लगाने वाले हैं इस जींस में हम सिर्फ इसको फोल्ड करेंगे और मैं आपको फोल्ड करके बताऊंगा ये कैसा होगा किस तरह से दिखेगा और इसके लिए हमें ब्लैक कलर का धागा चाहिए होगा मोटा मोटासा कौन चाहिए होगा तो हमारे पास ये ब्लैक कलर का मोटा सा कौन है इस धागे का हम यूज़ करेंगे जो कि इतना मोटा है सेम टू तो सेम ये जो धागा है इस धागा भी ये धागा भी उतना ही मोटा है तो इस धागे का हम यूज़ करेंगे सो so तो दोस्तों हमारी जो लेवाइस की जीन्स है इसको हम एकदम सिंपल फोल्ड करेंगे छोटा सा फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो मॉडि है इसको हम फोल्ड करेंगे लेकिन मॉडी को फोल्ड करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसका जो स्टिचिंग है वो पहले हम इसको चेक करेंगे तो इसका जो दूसरा वाला जो कपड़ा होता है उसको रख के हम इसका जो स्टिचिंग है वो परफेक्टली चेक करेंगे So, दोस्तों इसकी जो स्टिचिंग है थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो इसका जो स्टिचिंग का जो डायल है इसको घुमाते हैं और इसको लेके आते हैं साढ़े चार नंबर पे और साढ़े चार नंबर पे इसकी स्टिचिंग कैसी आती है पहले वो देखेंगे सो so, दोस्तों साढ़े चार नंबर की स्टिचिंग एकदम परफेक्ट है तो साढ़े चार नंबर की स्टिचिंग हम करेंगे लेकिन इसको अम, मौरी को फोल्ड करने से पहले हमें ध्यान देना पड़ता है इसकी जो मोरी है फोल्ड करने के बाद खिंच जाता है इतना ये जो है ना इतना खिंच जाता है तो इसके लिए हमें एक और टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो कि इसका जो मोरी है थोड़ा सा लेवल में रहे तो इसके लिए हम यहाँ पे से थोड़ा सा हाफ इंच का क्रॉस में शेप लेंगे सो so, दोस्तों एक बॉटम का ले लिया लेकिन दूसरी बॉटम का भी हम उतना ही हाफ इंच का शेप ले लेंगे ताकि मोरी जो है वो एकदम परफेक्ट रहे सो so, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने हाफ इंच का शेप लिया है और ताकि आप देख सकते हैं ये जो मॉरी है अभी ऐसा दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा सिमट जाता है और ये स्ट्रेट हो जाएगा अभी जो मैं अगर खींच के इसको बिठाऊंगा क्योंकि हम जो फोल्ड करेंगे ना तो थोड़ा सा खिंच जाता है तो एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा इसके लिए हम सो so, दोस्तों हम जो है इसका जो फोल्ड है वो छोटा सा ही करेंगे बहुत बड़ा फोल्ड नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इतना छोटा फोल्ड रखेंगे और इसको हम स्टिचिंग करते हैं तो so, दोस्तों सारा धागा आपको इस तरह से कट कर लेना है और आप देख सकते हैं जीन्स की जो मोड़ी है वो इस तरह से दिख रही है और इस हम इसको परफेक्टली इसको आइन मार के अच्छे से बैठाएंगे तब इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट दिखेगी एक बॉटम को हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन जो दूसरा वाला बॉटम है इसको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और इसको भी हम सेम टू सेम उतना ही बड़ा फोल्ड रखेंगे तो इसको हम पहले सिंगल फोल्ड करेंगे फिर अंदर एक और फोल्ड करेंगे दो फोल्ड इसीलिए किया जाता है ताकि अंदर एक सिंगल फोल्ड करेंगे तो ऐसे रेशा निकलता रहेगा तो इसके लिए हमें दो फोल्ड करना पड़ता है ताकि फिनिशिंग एकदम परफेक्ट दिखे और अंदर से रेशा ना निकले सो so, दोस्तों स्टिचिंग करने के बाद आपको ये सारा धागा अच्छे से कट कर लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप धागा खींचते हैं तो स्टिचिंग निकल सकती है टूट सकती है तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और आप देख सकते हैं इसकी जो मोरी है कितनी परफेक्ट आई है इसकी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट है लेकिन अभी इसमें हम आइन मारेंगे और परफेक्ट तरीके से इसको बैठाएंगे तभी इसकी फिनिशिंग और निखर के आएगी सो so, दोस्तों ये है हमारा लेवाइस का जीन्स और इसका जो लेंथ है सिंपल फोल्ड है छोटा सा फोल्ड किया था हमने तो इसको हम रखते हैं अंदर और इसका जो फोल्ड है किस तरीके का वो मैं आपको बता दूँ इसका जो फोल्ड है छोटा सा फोल्ड है लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है अभी परफेक्ट नहीं दिख रही है तो इसको हम पहले अच्छे से आइन मार लेते हैं सर so दोस्तों आप देख सकते हैं जीन्स का जो लेंथ है छोटा सा फोल्ड जो हमको बनाना था इसका जो ओरिजिनल फोल्ड है वो इस तरीके का है आप देख सकते हैं और ये मैंने बनाया है ये कंपनी का फोल्ड है जो कि कंपनी ने फोल्ड करके दिया था ये इस तरीके का और ये इसका मार्जिन है और ये मैंने बनाया है इसका जो फोल्ड है किस तरीके का है और इसका जो लेंथ है फोर्टी एंड हाफ़ एकदम परफेक्ट आना चाहिए तो इसका जो लेंथ है फोर्टी एंड हाफ़ हम इसको मेजरमेंट करेंगे सर so, दोस्तों पैंट को आपको अच्छे से एकदम सीधे तरीके से रख लेना है उसके बाद इसका जो लेंथ है फोर्टी एंड हाफ पे आना चाहिए तो फोर्टी एंड हाफ पे हम इसको मेजरमेंट करेंगे और इसका जो लेंथ है फोर्टी एंड हाफ हम इसको रखेंगे सो so, दोस्तों आप देख सकते हैं फोर्टी एंड हाफ एकदम परफेक्टली आ रहा है और इसका जो लेंथ है फोर्टी एंड हाफ एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है मोस्ट ऑफली ब्लैक पैंट में किया जाता है ब्लैक पैंट स्टे ब्लैक या स्टे व्हाइट पैंट हो जो कि एकदम सिंपल हो इसमें रफ वफ कुछ ना हो इसका जो फिनिशिंग होता है रफ वाला फिनिशिंग होता है इस टाइप की जीन्स में रफ वाला फिनिशिंग है ताकि इसको आपको ओरिजिनल लगाना पड़ेगा तो इस टाइप से बना सकते हो या ओरिजिनल लगा सकते हो बट इसमें आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा इसमें सिंपल सा एक फोल्ड रख दोगे तो भी चलेगा जीन्स को लेंथ बनाने के दस अलग अलग तरीकों से जीन्स का लेंथ कैसे बनता है किस तरह से बनता है और आप इसको कैसे बना सकते हो सो दोस्तों दस अलग अलग ब्रांड की हमारे पास दस जीन्स है और इस दसों जीन्स में हमने लेंथ बनाया है टोटली कंप्लीट तरीके से हमने जीन्स बनाया और इसकी फुल वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी जाकर आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं जीन्स का लेंथ कैसे बनता है किस तरह से बनता है और किस तरह से बनाया जाता है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमने इसको बनाया है लिवास जींस की सिंपल लेंथ फोल्ड कैसे बनता है किस तरह से बनता है और आप इसको कैसे बना सकते हो सो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो लाइक कीजिए आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप जो कॉमेंट करें अगर आप इस पैंट को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगी वहाँ जाके आप इस को खरीद सकते हो दस अलग अलग तरह की जींस का लेंथ कैसे बनता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन इसके लिंक मिल जाएगी वहाँ जाकर आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं आज वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो